वजीर राम सिंह महाविद्यालय देहरी में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन में विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में फतेहपुर के SDM बलवान चंद तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशीत कुमार मिश्रा ने भाग लिया। SDM बलवान चंद ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। वजीर राम सिंह महाविद्यालय देहरी में भार तोलन प्रतियोगिता के समापन में विभिन्न श्रेणियों ने प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 45 किलो 49 किलो 64 किलो 71 किलो 81 किलो 87 किलो और 87 प्लस वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में फतेहपुर के SDM बलवान चंद तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशीत कुमार मिश्रा रहे। SDM बलवान चंद ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए कहा और कहा कि बच्चे खेलों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन देहरी कॉलेज में किया गया 12 और 13 सितंबर को, जिसमें बहुत से कॉलेजेस के, पूरे प्रदेश के कॉलेजेस के प्रतिभागी आए थे और अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। और मैं तो इनके लिए बेस्ट विशेष देता हूँ कि फ्यूचर में, भविष्य में भी ये अपने इस खेल को जारी रखें और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने प्रदेश का नाम, देश का नाम ऊँचा करें। सर, आजकल युवा पीढ़ी जो है नशे में लगता है, इसके बारे में क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को आप? युवा पीढ़ी, खासकर जो ये बच्चे खेल में इन्वॉल्व हैं, ये लोग दूसरों के लिए एक सिंबल बन सकते हैं, एक अच्छा सा संदेश ये अपने सहपाठियों को दे सकते हैं। और नशा जो है वो चाहे किसी भी तरीके का है, वो तो सेहत के लिए और दिमाग के लिए वो खराब है। इसमें हमारा युवा वर्ग काफ़ी गर्त तक जा चुका है, लेकिन इन लोगों को, जो बच्चे यहाँ खेल में हैं और हम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे लोग, हमारे को अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने जो बच्चे हैं, कॉलेजेस के हैं, स्कूल्स के हैं, उनको इस कुप्रथा से बाहर आने के बारे में जो उनको प्रेरित करना चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ऐसे नशा वगैरह सप्लाई करते हैं और यूथ को, यूथ का भविष्य जो है उसके खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने आप एक कुछ, एक समाज का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते उनको भी इस चीज़ से हटना चाहिए और कुछ अपना और तरीके का कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, अपना अर्निंग वहाँ से करें।